हेलो फ्रेंड्स नमस्कार ओडिशा जॉब डिटेल्स यूट्यूब चैनल को प्रथम आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स वर्तमान अपडेट आपण मानी इंडियन रेलवे बा भारतीय रेल विभाग तरफ रही विभाग एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये आपण मानक रिक्रुटमेंट मिलूँ जो थी कि पदवी आजारे 74 जो ओडिशार समस्त प्रार्थी अप्लाय करेंगे उभय पुरुष एवं महिला यही फर्म पर एलिजिबल। तेज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बस नॉर्मली आप दशम सहित आईटीआई कंप्लीट कर डिप्लोमा कि डिग्री हासिल करते पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यह वीडियो माध्यम से मुझे डिटेल्स इनफर्मेशन दे रखी तेणुकर वीडियो को शेष जाए देखिए। तेज वीडियो आपको भल लगे दयाकोरी वीडियो को लाइक करें और आम चैनल ओडिशा जॉब डिटेल्स को प्रथम तरकारी विजिट करते दयाकोरी ओडिशा जॉब डिटेल्स को सब्सक्राइब करने सहित नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करने जहाद्वारा कि टाइम टू टाइम आपने नोटिफिकेशन पारे। सो फ्रेंड्स आम ऑफिशियली वेबसाइट www.freejabra.com जहाँ को आपने गूगल मध्यम सर्च करके आम ऑफिशियली वेबसाइट के आसपारे। सो देखो फ्रेंड्स आपर जो ऑफिशियली अपडेट आसी नोटिफिकेशन वाइज आपर रिक्रुटमेंट जो डिटेल्स रही आपर 24/4/2021 ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर एथिरे कौन रही ना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तरफ आपही निजुक्ति मिलू जो आपने अप्लाय करेंगे। तेज यह प्रकार निजुक्ति आपर गवर्नमेंट तरफ रही जो वैकेंसी आसी आपई टोटाल 1064 पदवी वैकेंसी आसी जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एवं जूनियर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी रही ट्रेड वाइज भी वैकेंसी रही सिविल ऑपरेशन बीडी मेकानिकल यही आपर वैकेंसी रही। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल सिग्नल कम्युनिकेशन ऑपरेशन बीडी एंड मेकानिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशन बीडी एवं मेकानिकल पदवी में वैकेंसी आसी सहित मुझे फ्रंट में आपर के कौ डिपार्टमेंट वैकेंसी आसी से सब भी लिखि रखी आपने चाहिए देखिपारे। तेबे एथिपाई बयस सीमा कौन रही ये जो जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एवं जूनियर एग्जीक्यूटिव बयस अलग अलग रखा जा 1/1/2021 सुधा आपण मान बयस सीमा जूनियर मैनेजर पर 18 वर्ष आरंभ कर 27 वर्ष भितर होते आपण मैंने अप्लाय करेंगे। एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव बयस सीमा 18 वर्ष आरंभ कर 30 वर्ष भितर होते अप्लाय करें। जो कैटेगोरी पिलाने एससी एसटी किंबा पीडब्ल्यूडी बिलंगस कर सेमानों कही रखी बयस सीमा कोहल कर निश्चित रूपे ध्यान दे देखि रखिए। तेज फ्रेंड्स आपर ये पोस्ट रही भिन्न भिन्न पोस्ट में भिन्न भिन्न क्राइटेरिया रही सहित भिन्न भिन्न एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही। तेज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जदि आम देखा जूनियर मैनेजर जो सिविल टू आरंभ करके ऑपरेशन बीडी एवं जूनियर मैनेजर मेकानिकल पोस्ट जाए आपण वेरियस वेरियस क्वालिफिकेशन आवश्यक कर। सो फ्रेंड्स देखो जूनियर मैनेजर सिविल पोस्ट जो रही आपर ये सिविल पोस्ट में अप्लाई करवा गले आपड़ी सिविल इंजीनियरिंग रे डिग्री हासिल करेंगे बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग हासिल करेंगे आपर सिविल इंजीनियरिंग रे डिग्री 60% एग्रीगेट मार्क होने जूनियर मैनेजर सिविल पोस्ट में अप्लाई करेंगे। तेज तापर आँ ना जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी ये जो ऑपरेशन एंड बीडी आपर 2 वर्षर MBA बा PGDBA PGDBM PGDM मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशन कस्टमर रिलेशन फाइनेंस रे जदि आपण माने 2 वर्ष आपण मानकर एजुकेशन कंप्लीट करथिबे ताहाला अप्लाई करिपरिबे एथिरे भी आपण मानकर करियर मार्किंग 60% आवश्यक करूची। नेक्स्ट आसुच्छे फ्रेंड्स आपण मानकर जूनियर मैनेजर मेकानिकल पोस्ट पई मेकानिकल रे जो मैनेजर जूनियर मैनेजर पोस्ट पई एथिपई आपण माने बैचलर डिग्री हासिल करथिबे कोउथरे ना सब्जेक्ट वाइज मुझे आपण मानकर कहिरकु जे सब्जेक्ट वाइज जहाँ रही आपण को सामने रही आपण माने देखि परिबे। देखो फ्रेंड्स आपण मानकर मेकानिकल मेकानिकल पई इंजीनियरिंग हासिल करते कौथे ना मेकानिकल इंजीनियरिंग रे सहित रही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेकाट्रोनिक्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग जदि ये सब्जेक्ट गुड़िक रही जहाँकि आपत सेयार कली एदी कौन सी भी बैचलर डिग्री हासिल करेंगे और क्यारिययर में 60% एग्रीगेट मार्क थोड़ा एप्लाय करेंगे। नेक्स्ट आस फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आपर से क्वालिफिकेशन आवश्यक करुच्च एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आप देख कही रखुच्छी मुझे एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट जोटा कि रही जो थी आपने डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे 3 वर्ष कंप्लीट करेंगे कौन ना सिविल इंजीनियरिंग रे कि ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पब्लिक हेल्थ वाटर रिसोर्स जदि आपने 3 वर्ष डिप्लोमा
सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करथिबे एवं आपन मानकर करियर मार्किंग 60% थिबो ताहाले आपन माने एथिपई अप्लाई करि परिबे। सो फ्रेंड नेक्स्ट आसछि कोन ना आपन मानकर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट पई एथिरे आपन मानकर सेई 3 वर्ष एक्सपीरियंस सॉरी 3 वर्ष डिप्लोमा करथिबे कोथरे ना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किबा पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सहित पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रही जो सब्जेक्ट जदि आपण डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं 3 वर्ष ताहले आपण माने एई पोस्ट में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आसछि फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन एथिरे आपण मानकर सेई भले 3 वर्ष आवश्यक करछि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एठू मु लेखि रखिछि आपण मान पय आपण मान देखि परबे 60% एग्रीगेट मार्क रहिछि आपण मानकर सब्जेक्ट वाइज मु लेखि रखिछि सेथिरे जदि आपण मान 3 वर्ष कंप्लीट करथिबे आ आपणकर करियर मार्किंग 60% थिबो ताहाले आपण मान एथि पय अप्लाई करि परबे। नेक्स्ट आछि फ्रेंड्स एजुकेशन सॉरी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी एथिरे आपण मानकर केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिले हां फ्रेंड्स केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिले आर्ट साइंस कॉमर्स जे कोनो स्तर पिला हासिल करथिबो ग्रेजुएशन ताहाले भी आपको अप्लाई करि परिबो एथिरे भी 60% करियर मार्किंग आवश्यक रहउची ग्रेजुएशन 60% थिले आपण माने एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी पई अप्लाई करि परिबे। तो नेक्स्ट आछि आपण मानकर पोस्ट जा रही जूनियर एग्जीक्यूटिव जो थी कि फ्रेंड्स आपण माने जदि जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट में अप्लाई करा चाहूँ ताल आपण माने जदि मैट्रिकुलेशन तो आईटीआई कंप्लीट करथिबे आईटीआई कंप्लीट करथिबे एवं मैट्रिकुलेशन 60% एग्रीगेट मार्क थिबो आउ आपण मानकर 2 वर्ष ड्यूरेशन कोर्स एक्ट अपेंटिस रे करथिबे एवं ट्रेड वाइज देखिया गले इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स रे जदि कंप्लीट करथिबे आपण माने ए ट्रेड भीतर कंप्लीट करथिले जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट पई अप्लाई करि परिबे एवं तापर आछि कोन ना जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एथिरे भी फ्रेंड्स से मैट्रिकुलेशन आवश्यक करछि 60% करियर मार्किंग हेतिबो आईटीआई कंप्लीट करथिबे एवं आपण मानक ट्रेड वाइज मु लेखि रखिछि आपण मानक सामने रे तो थेरा करे भी जदि आपण माने ट्रेड वाइज कंप्लीट करथिबे 2 वर्ष एक्ट अपेंटिस करथिबे एनसीबीटी किबा एससीबीटी रिलेटेड आईटीआई इंस्टीट्यूशन द्वारा ताहले भी आपण माने एथिरे अप्लाई करि परिबे। नेक्स्ट आछि फ्रेंड्स आपण मानक जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी जो आपण मानक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपण मानक डिटेल्स रे कहू छी देखि रखंतु जो मानकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन आवश्यक करछि ता सहित भी तार भी क्वालिफिकेशन वाइज देखिया गले केतरा ट्रेड रहिछि जो ट्रेड रे आपण माने जो पाठ पढ़ते ताल अप्लाई करि परबे। नेक्स्ट आछि आपण मानक जूनियर एग्जीक्यूटिव मेकानिकल तो F3 भी आपण मानकर से मैट्रिकुलेशन आवश्यक करछि 60% एग्रीगेट मार्क आवश्यक करछि एवं आईटीआई सहित एक्ट अपेंटिस कंप्लीट करथिबे आपण मानक ट्रेड वाइज रहिछि पोस्ट आपण माने सेतरे जदि पाठ पढ़ते ताहले एहाको अप्लाई करि परबे। तबे एहाको केउ माने आवेदन करि परबे तो फ्रेंड्स मु आपण मानक कहि रखिबि एहाको समस्त अप्लाई करि परबे ओडिसा समस्त प्रार्थी एथिपई इलिजिबल तबे इलिजिबल हेबा कहले आपण मानक डिटेल्स क्राइटेरिया सह कहि रखिलि जदि आपण माने एही सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहितो ताहले निश्चित रूपे आपण माने एहाको अप्लाई करि परबे। ऑल ओडिसा प्रार्थी समस्त एथिपई इलिजिबल उभय पुरुष एवं महिला एहाको अप्लाई करि परबे। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन माध्यम रे रहिबो फ्रेंड्स एथिपई एप्लीकेशन फीस बाबद किछि एप्लीकेशन आपनको फीस दबा पड़िबो एग्जाम फीस दबा पड़िबो जदि जूनियर मैनेजर पे अप्लाई करछन्ती 1000 टका एप्लीकेशन फीस लागिबो एग्जीक्यूटिव पे हेले 900 टका एप्लीकेशन फीस लागिबो जूनियर एग्जीक्यूटिव पे हेले 700 टका एग्जाम फीस लागिबो एससी एसटी एक्स सर्विस माने पीडब्ल्यू पे हेले कोनोसी एप्लीकेशन फीस नै आपण माने मागणा अप्लाई करि परिबे। पेमेंट मोड ऑनलाइन माध्यम रे रहिबो जहाको आपण माने नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड किबा डेबिट कार्ड माध्यम रे पैठ करि परिबे। तबे सैलरी सबुट मैटर करे सैलरी फ्रेंड्स आपण माने सबळे सैलरी जानिबाक चाहंती म आपण मानु डिटेल्स रे कहू देखंतु सैलरी जूनियर मैनेजर पोस्ट पई 50,000 टका आरंभ करके 1,60,000 टका पर्यंत आपनको दरमा मिलुची एग्जीक्यूटिव पई 30,000 टका आरंभ करके 1,20,000 टका पर्यंत दरमा मिलुची एवं जूनियर एग्जीक्यूटिव पई 25,000 टका आरंभ करके 68,000 टका पर्यंत दरमा मिलुची। सबुत बड़ कथा कौन फ्रेंड जानते आपण मानक जो एग्जाम हम ओडिशा भुवनेश्वर भी करा ऑलरेडी बेसिकली तो एग्जाम हम कि ओडिशा पिला भुवनेश्वर एग्जाम करा एवं जॉब लोकेशन जदि आप निजुक्ति पाऊँ कि निजुक्ति दि जाऊँगी आपण निजुक्ति निश्चित रूपे ऑल ओवर इंडिया रे जेको स्थान दि जाए बाय लक आपण मैंने भी ओडिशा रो भुवनेश्वर रे निजुक्ति पाई जदि फ्रेंड्स आपण मैंने को अप्लाई करा चाहूँ मुझे कह रखुच यार जो ऑनलाइन प्रोसेस रही 24/4/2021 ऑनलाइन आरंभ हम जहाँकि 23/5/2021 पर्यंत चालू रहिबो आपण माने 24/4/2021 रु आरंभ करके 23/5/2021 भितरे आपण माने ई फॉर्म को अप्लाई करनेबे एवं एग्जाम फीस पैठ करनेबे। तबे नोटिफिकेशन लिंक एवं अप्लाई ऑनलाइन रो लिंक एथर तो ऑफिशियली वेबसाइट रो लिंक मध्ये मु आपण मान सहित प्रोवाइड करनेछि नचेत आपण माने वीडियो डिस्क्रिप्शन रे हमर ऑफिशियली वेबसाइट रो लिंक पाइजिबे सेठी के आसी कि आपण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पाइ परबे।
तो फ्रेंड्स ये थिला डिटेल्स इनफर्मेशन जहाँकि आपमन सहित शेयर करनेलि वर्तमान ए वीडियो रे आशा करू जे अपडेट आपमन निश्चित रूपे भल लागितबो तबे आपमन निहाती रूपे वीडियो को लाइक करबे काहेकि ना बहुत भल न्यूज जहाँकि जॉब रिलेटेड आपमन सहित प्रोवाइड करा जाउछि आपमन हम चैनल सहित जोड़ी रहंतु भल पाइबा बजाय रखंतु एवं हां आ गुटी कथा आपमन सहित शेयर करबी तबे आपमन कहि रखबी आमर ऑफिशियली ग्रुप रहिछि व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम रे आपमन जदि सेटा जॉइन कर नाहंती ताले निश्चित रूपे आमर व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करनंतु एठी तार लिंक रहिछि आपमन निश्चित रूपे जॉइन कर परबे नथत वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे आपमन को आमर ऑफिशियल ग्रुप्स रो लिंक मिल जिवो एवं जदि चाहिबे आपमन हमको इंस्टाग्राम रे फॉलो कर परबे फेसबुक रे देखुतले पेज को लाइक कर नेबे एवं आमर एको नुवा चैनल रहिछि उड़िया एक्सपर्ट जहा को आपमन जदि सब्सक्राइब कर नाहंती ताले नियात रूपे सेटा को विजिट करनंतु सब्सक्राइब करनंतु काहेकना सेठी आमे आपमन पई मोटिवेशनल रिलेटेड एंड फैक्ट रिलेटेड वीडियोस अपलोड करछु जहा को आपमन देखले नियात रूपे आपमन कर बेनिफिट हो नॉलेज बढ़िबारे सहाय करिवो तबे ये थिला डिटेल्स अपडेट जहाँकि आपमन सहित शेयर करनेली वर्तमान ए वीडियो रे तबे वीडियो टी केमिति लागला निश्चित रूपे कमेंट करके फ्रेंड्स हमको जणाइबे आपमन कर गुरुत्वपूर्ण मतामत निश्चित शेयर करिवे तो आज वीडियो टी निश्चित रूपे आपमन कहिबे जहाँकि अपडेट दे रखिले आपमन को रेल विभाग तरफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तरफ आपमन केमिति लागला निश्चित रूपे कमेंट करके जणाइबे आज वीडियो रे बास एतिकी पुनः नुआ तथ्य नुआ अपडेट नहीं से पर्यंत विदाय वंदे मातरम।